देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कुछ ही दिनों में पहले चरण के लिए मतदान भी होना है। ऐसे में चुनावी सरगर्मी के बीच जहां टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी और विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं, वहीं चुनाव में आमतौर पर होने वाली जुबानी जंग भी चर्चा का विषय बन गई है। जुबानी जंग अगर दो विपक्षी पार्टियों के बीच हो तो ये आम बात है, लेकिन एक ही पार्टी के अंदर जनप्रतिनिधियों के बीच अगर जुबानी जंग हो तो मामला सुर्खियों में आना स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में हमेशा अनुशासित रहने वाली भाजपा में एक जनप्रतिनिधि के द्वारा दूसरे जनप्रतिनिधि पर की गई अशोभनीय टिप्पणी का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे दूसरे जनप्रतिनिधि के समर्थक इस कदर गुस्सा हो गए कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को ही बंधक बना लिया। दरअसल वो ऑडियो कितना सच है ये जाँच का विषय है, लेकिन भाजपा के मेयर उमेश गौतम के इस वायरल ऑडियो के बाद भाजपा के 8 बार के सांसद संतोष गंगवार के समर्थक बुरी तरह भड़क गए और संतोष गंगवार को प्रधानमंत्री की रैली का न्योता देने आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के सामने मेयर के विरोध में जबरदस्त नारेबाजी की और प्रदेश अध्यक्ष को संतोष गंगवार के कार्यालय पर ही बंधक बना लिया गया था। यहाँ पे कल ब्राह्मण समाज की मीटिंग थी, यहाँ के मेयर साहब ने वो मीटिंग रखी थी, तो उन्होंने खुलेआम चैलेंज किया था कि हम कुर्मी समाज को खींच खींच के मारेंगे और माननीय महोदय जी की एक एक ईंट उखड़ के ले आएंगे। जिन लोगों को सूचना मिली सभी लोग यहाँ पे बहिष्कार करने आए और मेयर से कहने आए हैं, यही निवेदन है कि मेयर की सीट का अपने इस्तीफा दे, क्योंकि उनके में वोट हमारा भी गया हुआ है। मेयर वो बने हैं तो कुर्मी समाज ने भी वोट दिया है, अकेले मेयर जी का वोट या पंडितों ने नहीं जता दिया, ये भारतीय जनता पार्टी का आज तक हमने भी वोट दिया है जन्म से। तो आप मेयर साहब अगर हमारी बिरादरी के लिए, हमारे वरिष्ठ नेता के लिए अगर ऐसे सेंटेंसों का प्रयोग करेंगे तो वो इस्तीफा दे और हमारे समाज का परिचय संतोष। आज हमारे माननीय संतोष गंगवार जो भाजपा को एक खड़े करने वाले थे, जब भाजपा का कहीं परचम नहीं था उस समय, इस बरेली में भाजपा को खड़े करने वाले नेता 8 बार के सांसद को अगर टिकट नहीं दिया गया वो पार्टी की मर्जी थी, लेकिन एक महापौर को ये कौन सा हक होता है कि अभी तो टिकट कटा है और पटक पटक के मारेंगे। मतलब हमारे समाज को गाली, हमारे बुजुर्ग को अगर कोई गाली देगा तो वो हमें गाली दे रहा है, हमारे अभिभावक हैं। टिकट कटा हमें कोई दोष नहीं, कोई दुख नहीं, हमारे महोदय हर जगह पार्टी के कार्य में जा रहे हैं, हर पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं और हम सब। अगले दिन सुबह संतोष गंगवार प्रधानमंत्री की रैली में पीलीभीत रवाना हो गए, जहां मंच पर उनको प्रधानमंत्री द्वारा दी गई तवज्जो और दोनों की बातचीत के हाव भाव ने संतोष गंगवार के कद को और बढ़ा दिया। हालांकि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इसे संतोष गंगवार द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया। बाद में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बदायूं में मीडिया से बात करते हुए कहा कि संतोष गंगवार पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो भाजपा के संस्थापक सदस्य हैं, उनके मन में निजी कारणों से कुछ पीड़ा थी जिसको आपसी बातचीत करके सुलझा लिया गया है। घेराव करने पर उन्होंने कहा कि नाराजगी होने पर घर के बड़ों से ही शिकायत की जाती है। मैं संतोष जी हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं और भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक, मैं उनसे मिलने गया था, कुछ व्यक्तिगत विषयों को लेकर उनके मन में कुछ पीड़ा थी, हमने आपस में बातचीत करके उन सब विषयों का समाधान कर लिया है और पूरी पार्टी माननीय संतोष जी के नेतृत्व में बरेली में एकजुट होकर पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम करेगी और जहाँ जहाँ भी पार्टी की योजना होगी माननीय संतोष गंगवार जी पार्टी के चुनाव प्रचार में भी अपना योगदान दें। मुझे ऑडियो की जानकारी नहीं है, मुझे संतोष जी के यहाँ कुछ लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया था एक विषय को लेकर, लेकिन उसके बाद बातचीत होकर हम लोगों ने, सब लोग सहमत हैं और सबकी दिशा एक है, उस दिशा के आधार पर पूरी पार्टी संगठित होकर अपने पार्टी के प्रत्याशियों के साथ खड़ी है। हमें लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का बरेली क्षेत्र के स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद माना ये जा रहा था कि भाजपा में ये तूफान थम जाएगा,
मगर अगले ही दिन संतोष समर्थकों ने पोस्टर जारी कर दिया जिस पर साफ लिखा था कि मेयर के इस्तीफे और निष्कासन से कम कुछ मंजूर नहीं, नहीं तो चुनाव बहिष्कार। पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही खलबली मच गई। संतोष गंगवार की चुप्पी ने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया और लोग भाजपा को इस सारे घटनाक्रम से बड़े चुनावी नुकसान का दावा करने लगे। इसी बीच मीरगंज में बूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूरे घटनाक्रम पर संतोष गंगवार ने पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी से पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी को मुझसे कोई व्यक्तिगत शिकायत है तो मिलकर दूर कर लें, मगर इस समय चुनाव में पहली प्राथमिकता भाजपा को जिताने की है। कि मेरी जिस ढंग से काम करने का तरीका रहा, मैंने कोशिश की कि आप किसी को नाराज ना करें और एक राजनीतिक क्रम में आना जाना लगा रहता है, इस बात को समझ जाना चाहिए। पर मुझे तकलीफ है, पार्टी जिस रूप में है आप सबके बल पर है और इस बीच में अगर हम पार्टी या साथियों के बारे में कुछ विपरीत बात बोलते हैं तो ये नुकसान हम किसका करते हैं, ये हम अंदाजा लगा रहे हैं। ये नुकसान आप अपने स्वयं का कर रहे हैं, पार्टी का तो हो ही रहा है। पर मेरा आग्रह है कि पार्टी जिस रूप में यहाँ 1980 से लेकर यहाँ तक ये बनाने में ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो अपने बीच में नहीं हैं, पर सबने एक मिलकर अच्छे ढंग से पार्टी को आगे बढ़ाने का करा और उसका शुरू भी यहाँ पर हमारे सामने है। तो मैं कोई बहुत लंबी बात कहने नहीं आया हूँ, कुछ चार लाइनें इसलिए लिखकर लाया हूँ कि मैं बोलूँगी जिससे कि शब्दों को आप समझने का काम करें और उसके हिसाब से यह महसूस करें कि मैं किस सोच के साथ मैं क्या कह रहा हूँ। इस आग्रह के साथ यहाँ पर आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दिखाए गए एकात्म मानववाद के रास्ते एवं आदर्शों पर चलने की पार्टी और जनता द्वारा चुने हुए और जिम्मेदारी के पद पर जो व्यक्ति बैठे हैं, और हमारा मानना है कि कभी कभी साथी कुछ ऐसे बयानबाजी कर जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में नुकसान करते हैं। हमें समझ में आना चाहिए कि चुनाव के समय इस बात को बोलना उचित नहीं है, जिससे किसी तरह से हम कोई खराब भाषा करते हैं तो उसका नुकसान होता है और उसका विपक्ष लाभ भी उठाने का काम कर सकता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हम बोलते समय सोचें और समझें किसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सभी वर्गों का सहयोग मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, और मुझे लगता है कि वर्ग विशेष और व्यक्ति विशेष पर टिप्पणियों से बचना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अगर किसी जाति समाज या व्यक्ति के खिलाफ आप टिप्पणी करेंगे तो वो हम किसका नुकसान कर रहे हैं, हम उसके बारे में बात करने विचार करने और इससे हम अगर बचे रहें तो ज़्यादा सही है। सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, अगर मुझसे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में कोई व्यक्तिगत शिकायत किसी को है तो व्यक्तिगत मुझसे मिलकर मैं मौजूद हूँ, मैं उसका समाधान भी करूँगा और मेरी गलती है तो मैं उसके माफ़ी भी मांगूँ। पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा कोई काम ना करें, नुकसान करने का काम करें और इससे पार्टी को एक तकलीफ हो, समस्या हो, ये काम अगर हम ना करें तो जाते हैं। और मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत द्वेष भी नहीं है, मुझे लगता नहीं कि, और मेरा आग्रह है कि सभाओं में भाषण देते समय इस बात को ध्यान में रखें कि हम क्या बोल रहे हैं और उसका क्या असर पड़ता है और पार्टी को उसको लाभ हो रहा है या इससे नुकसान हो रहा है, इस बात को अगर हम आंकलन कर लें। क्योंकि अभी आदरणीय विधायक जी कह रहे थे सर्वाधिक अच्छे मतों से ये विधानसभा हम जीतते हैं, अगर हमने कुछ 19-20 बात कर दी और कोई टिप्पणी कर दी इसका नुकसान किसको होगा, हम इसका आग्रह करें। मैं कोई विशेष बोलने यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ, बाकी मैं राजनीति से एकदम अलग नहीं हूँ, मैं आपके बीच में हूँ। पर मेरा आग्रह है कभी भी आप उसको मिलेंगे और चर्चा करेंगे तो मुझसे सकारात्मक जानकारी उत्तर भी आपको मिलेगा। इस आग्रह के साथ यहाँ पर वास्तव में पार्टी को जिस रूप में हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं, हम कैसे अच्छे ढंग से और आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है और
कार्यकर्ता आते जाते रहेंगे, पर पार्टी बनी रहे, पार्टी की प्रतिष्ठा बनी रहे, पार्टी का सम्मान बना रहे और पार्टी को अच्छे ढंग से लोग चलाते रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा आप सभी साथियों से आग्रह है कि अगर इतने वर्षों में आपके साथ रहते हुए मैंने कोई गलती की तो मुझको माफ़ कर दें। आपको लगे कि ऐसी शिकायत है आप मुझको बता दें, मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांग लूँगा, पर चौराहे पर हम इस पर चर्चा ना करें, ये ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। और जो चर्चा करेगा वो निश्चित रूप से पार्टी का फायदा नहीं कर रहा है, पार्टी का नुकसान करने का काम कर रहा है, हम इस बात को समझें। तो मैं मित्रों अधिक न बोलते हुए, इस समय समर के दौर में हम हैं, भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से जीते, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, उसके साथ हम सब लोग मिलकर काम करें। आप सब यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वहीं इस पूरे मामले पर अभी मेयर उमेश गौतम ने कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, मगर इस पूरे घटनाक्रम में कुर्मी क्षत्रिय महासभा ने कॉन्फ्रेंस करके साफ जता दिया है कि वो अपने नेता के सम्मान से समझौता करने को तैयार नहीं है। हालांकि मौजूदा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार भी कुर्मी समाज से हैं, मगर लोगों का कहना है कि अमर्यादित टिप्पणी के समय वो मंच पर ही थे और उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। पहले इस तरह का माहौल और गुटबाजी समाजवादी पार्टी बरेली में देखने को मिलती थी, मगर पहली बार भाजपा में पार्टी कई भागों में बटी दिखाई दे रही है। टिकट कटने के बाद पार्टी में उपजा असंतोष थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब देखना यह है कि भाजपा अपने सबसे मजबूत चुनावी गढ़ में डैमेज कंट्रोल के लिए क्या करती है, क्योंकि बरेली लोकसभा इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा है।